हेलो बच्चों कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों हम लोग अभी जो करंट में आपको लेक्चर दे रहे हैं वो आपको वेक्टर जेब्रा के सारे पार्ट चल रहे हैं आपको अभी तक सारे एट पार्ट मिल चुके हैं आपने अच्छे से वो देख रखे होंगे आज जो हम लोग पार्ट करेंगे वो आपका वैक्टर जेब्रो का पार्ट नंबर नाइन होगा रिकॉर्ड ठीक है और आपको जो मिलेगा उसमें जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो एक्सरसाइज टेन होगी ठीक है आप टेन पॉइंट फोर एक्सरसाइज इसका मतलब आप सारी चीजें जान चुके हो कुछ चीजें नहीं हो सकती है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज लगभग आप सारी चीजें समझ चुके हो कुछ ऐसा नहीं बच रहा है जिसको आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे डॉट प्रोडक्ट सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया एरिया रिलेशन जो भी होता है किस तरह से क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया पैलोग्राम रिप्रेजेंट करता है या ट्रेंगल का एरिया किस तरह से निकलता है वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ठीक है तो वैक्टर के हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं आपकी एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर है तो चलो शुरू करते बच्चे आज का लेक्चर कॉपी पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर सभी लोग डाल लीजिए सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करें मैथ में नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाएगी पहला क्वेश्चन है अब चूंकि सब कुछ जान चुके हो तो मैं अब डिटेल में नहीं करने वाला हूं आपको केवल हेंड करूंगा यहां पे बाकी आपको अब आप काम करने होंगे ठीक है सेवन है भाई क्या हो गया सेवन जे प्लस सेवन के एंड वैक्टर बी भी आपको गिविन है थ्री आई माइनस का टू जे प्लस का टू के इस तरह से बच्चों आपको दिया है वैक्टर ए और वैक्टर बी ठीक है आपको निकालना है क्या ए क्रॉस बी निकालना है देखो अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सिंपली क्या क्या पूछा जा सकता है ए क्रॉस बी अगर पूछता है तो आप निकाल दो कोई इशू नहीं दूसरा क्या पूछ सकता है आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो ठीक है आपने वो भी निकाल दिया तीसरा क्या कह सकता है इस क्वेश्चन को लेकर कि कोई पैरलोग्राम है उसकी एडजस्ट साइड्स के जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है पहली एड साइड को हम लोग वैक्टर एस ऐसे लिख रहे हैं और दूसरी उसी साइड की एडजस्ट साइड को इस तरह से वेक्टर से लिखा जा रहा है तो उस पैरलोग्राम का एरिया निकालो ठीक है यानी कि आपको एरिया पैरलोग्राम का पूछ सकता है ठीक है चौथा क्या कह सकते हैं कि ये दो जो साइड हैं एक ट्रैंगल की जो एडजस्टेंट साइड है उन्हीं से रिप्रेजेंटेड करी जा रही है इन वेक्टर के द्वारा तो आप उस ट्रेंगल का निकालो। एरिया निकालो यानी एरिया ऑफ ट्रैंगल ही पूछा जा सकता है तो ये चार क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिए हैं क्वेश्चन के लिए जो शुरुआत है वो इसी तरह की है हो सकता है आपसे कह दे कि इनके बीच में एंगल निकालो तो एंगल निकालने के लिए मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय आपसे कहूंगा हमेशा डॉट प्रोडक्ट की ओर तो बढ़िएगा क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ जाता है ठीक है आपसे ऐसा भी कह सकता है कि वो वेक्टर बताओ जो इन दोनों वेक्टर पर कैसा है परपेंडिकुलर फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है फाइंड करना है वेक्टर। फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देखो इस तरह से भी लैंग्वेज में आ सकती चीजें तो अब ये जो हम लोग कर रहे हैं जा रहे हैं अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला तो, A B vector तो ए क्रॉस बी वेक्टर तो होता ही है क्रॉस प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आ रहा होगा और वेक्टर कैसा वाला होता है बच्चों वो उन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर ही होता है तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल दें तो हमारा ये सोलूसन बिना किसी बात के हो जाएगा इतनी सारी बात जो उसने लिखी है अपने आप हो जाएगी ठीक है तो आप ए क्रॉस बी निकालने की तैयारी करो बस सोलूसन डालिए और लिखिए ए क्रॉस बी यहाँ पे आई लिखें जे लिखें और के लिखें और बच्चों ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ आई जे के लिखने के बाद आई के साथ यहाँ क्या लिखा वन लिखा माइनस सेवन लिखा और कितना प्लस सेवन इसमें आई जे के साथ क्या लिखा है थ्री लिखा है माइनस टू लिखा है प्लस टू लिखा है अब आई के साथ यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखना माइनस जे के साथ क्या मिलेगा वो लिखना होगा प्लस के के साथ क्या मिलेगा वो लिख देंगे ठीक है आई के साथ ये लाइन कट जाएगी ये यह कटेगा यहाँ से माइनस सेवन टू जो माइनस का फोर्टीन और माइनस कितना प्लस हो जाएगा सेवन टू जा फोरटीन अच्छा जे के साथ में क्या मिलेगा ये लाइन जाएगी माइनस ये लाइन जाएगी टू वन जा टू माइनस सेवन थ्री या ट्वेंटी वन के आ गया माइनस का टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन थ्री या ट्वेंटी वन कुछ इस तरह से आपको चीजें मिल रही हैं ठीक है अच्छा यहाँ पे आई के साथ में तो पूरा जीरो हो गया एक बार आई की कैलकुलेशन चेक करें आई के साथ ये कटेगा ये कटेगा माइनस का फोरटीन प्लस का फोर्टीन ठीक है कोई नहीं जीरो आ रहा तो जीरो आया आप हटा दो यहाँ पे क्या बचा माइनस जे जे के साथ में क्या आएगा अच्छा माइनस आएगा ये नाइनटीन प्लस का नाइनटीन हो जाएगा तो इसे आप हटा दो अब नाइनटीन जे ओनली मिलेगा आई वाला कंपोनेंट ही जीरो हो गया तो उसे छोड़ दो यहाँ पे क्या आया नाइनटीन अच्छा यहाँ भी प्लस नाइन्टीन के तो कुछ इस तरह से बच्चे आप गया ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ये वो वेक्टर है जो कि वेक्टर ए तथा बी पर कैसा परपेंडिकुलर है ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर है ठीक है तो इतनी बात हमने निकाल ली इसका मतलब हमने ये वाला पार्ट कर लिया अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम हो तो ए क्रॉस बी से जो वैक्टर है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ठीक है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो अपने आप जीरो पता चल जाएगा आता है क्योंकि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या रिप्रेजेंट करता है अगर इसे मैं वेक्टर सी मान लूँ सपोज करो तो सी वेक्टर बच्चे ये हमने मान लिया तो सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो देखो नाइन डॉट प्रोडक्ट में क्या जे का जे के साथ मल्टीपल होगा नाइनटीन सेवन जा करना होगा और ये माइनस में नाइनटीन इंटू सेवन आएगा ये प्लस में नाइनटीन सेवन आएगा तो कट गया ना नाइनटीन इंटू सेवन जो वैल्यू देगा वही वहाँ से आएगा ठीक है तो हम इसको करके नहीं दिखा रहे हैं आपको समझा दिया इसका मतलब ये पार्ट हमने बिना किसी बात ही कर लिया एक क्रॉस भी पूछा गया था वो ये पार्ट हो ही गया अब ए क्रॉस बी का क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी ठीक है तो कैसे आएगा रूट के अंदर नाइन्टीन का स्क्वायर प्लस नाइन्टीन का स्क्वायर ठीक है तो नाइन्टीन का स्क्वायर कितनी बार हो गया दो बार हो गया नाइनटीन का स्क्वायर कि नहीं हो गया तो एक बार 19 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर बना रहेगा तो हो गया 19 रूट टू आप स्क्वायर निकाल के उसकी वैल्यू लिखो बड़ा सा फॉर्मेट बनाओ सीधे निकाल लो ठीक है तो ए क्रॉस बी भी हमने ऐसे निकाल लिया आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई तो ये दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया देखो क्वेश्चन एक ही था इससे मैंने बहुत सारे पार्ट किए ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बने आपके एक्सरसाइज में भी होंगे तो हम लोग स्किप कर रहे होंगे एक ही क्वेश्चन सबका सोलूशन देने की कोशिश हो रही है अब आ रही एरिया पेलोोग्राम ठीक है एरिया पैलोग्राम क्या होता है जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है उसका मैग्नीट्यूड ही होता है एरिया पैलोग्राम तो एक्चुअली हमारा ये वाला आंसर नाइनटीन इधर हो जाएगा इसका भी आंसर नाइनटीन रूट टू ही है ठीक है अब ए क्रॉस भी जो आया वो इधर लिख दो कितना आया माइनस का नाइनटीन आई नाइनटीन जे और प्लस का नाइनटीन के ए तो आया शायद ठीक है ओके okay. अब यहाँ पे जो वेक्टर आया वही इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के आंसर के बराबर है ठीक है यही वाला आंसर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं थर्ड जो रह गया एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है ट्रेंगल ये वाला फोर्थ फोर्थ रह गया अच्छा एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है पैलोग्राम के एरिया का आधा ही होता है वन बाई टू एरिया पैलोग्राम ठीक है ना वन बाय टू इसका और करना ओनली तो वन बाई टू जैसे किया तो आंसर हो जाएगा नाइनटीन बाई टू और रूट टू नाइनटीन बाई टू रूट टू बस इतने ही रखते हैं सब में यूनिट लगा लेना बच्चे यूनिट इतने यूनिट उतने यूनिट जो भी लिखना होता है यूनिट आपको कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी ठीक है तो यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए बहुत चीजें आसान है बस बना के रखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू कर रहा हूं फाइंड ए यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वैक्टर यानी ए प्लस बी एक वैक्टर है दूसरा वैक्टर है ए माइनस बी दोनों वैक्टर के कॉम्बिनेशन से ये बना होगा देखो ए बी दो वैक्टर उनको ऐड करने से ये माइनस करने से ये वैक्टर जो बने हैं सपोज करो ये वैक्टर हो गया सी और ये वैक्टर हो गया डी सी तो वैक्टर और डी वैक्टर परपेंडिकुलर वैक्टर आपको निकालना है तो बच्चों आपको सी क्रॉस डी ओनली निकालना है ठीक है सी की वैल्यू क्या ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस इनका क्रॉस इनके साथ निकाल दो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना क्लियर होगी बात वो अपने आप इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा लेकिन उसने पूछा क्या यूनिट वेक्टर पूछा है चलो आपने जैसे क्रॉस निकाला C कैसे बना प्लस बी करने से बनेगा जो C होगा माइनस बी करने से बनेगा वो डी होगा सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट करना चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे तो क्या देगा कि वैक्टर आएगा कोई ना कोई और उस वैक्टर की वैल्यू हम लोग मान ले कौन सा वैक्टर मान ले e वैक्टर मान लेते चलो ई वैक्टर आई जे के टर्म्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा लेकिन वैक्टर ई यूनिट वैक्टर नहीं होगा या होगा हम लोग नहीं कह सकते है तो भी ठीक नहीं है तो भी ठीक है हो सकता ना हो अगर नहीं है तो उसे यूनिट वैक्टर बनाना पड़ेगा उसने कहा ना यूनिट वैक्टर ही निकालो केवल परपेंडिकुलर वैक्टर नहीं कहा यूनिट वैक्टर कहा तो ई कैप आपको निकालना पड़ेगा ई कैप कैसे आएगा उस वैक्टर ई में उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो देखो हमने क्या डिवाइड किया एक्चुअली एक वैक्टर ई कैसे बना सी क्रॉस डी से बना है ना सी क्रॉस डी से बना तो आप सी क्रॉस डी देखो आप इसी सीक्वेंस में करो ये या फिर यहाँ पे मैं डिटेल में और कर दे रहा हूँ सी क्रॉस डी की वैल्यू आप यहाँ पे रख देना तो आप ये वाला फॉर्मेट याद करो सही है ठीक है सारी चीजें करने से होंगी अब इस तरह से डिस्कस की जाएंगी क्योंकि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं ठीक है इसे फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी आज ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया आप कर लेंगे आई होप थर्ड में क्या पूछा है फाइंड द एंगल थीटा बच्चों यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं लिखा होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज हमने उससे दिया है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से ही करो ऐसा कुछ नहीं होगा आपके पास ऑप्शन होगा डॉट प्रोडक्ट से भी करने का तो आप डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन नंबर थ्री को करने की कोशिश करें और कर लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना एक यूनिट वैक्टर ए है अगर बच्चों ए यूनिट वैक्टर है तो इसका मैनीट्यूड आपको पता चल गया कि नहीं कितना है वन है और आपसे कह रहा है कि ये पाई बाई थ्री एंगल विद आई आए। आई के साथ पाई बाई थ्री एंगल बनाता है पाई बाई फोर एंगल बनाता है जे के साथ में एन थीटा बनाता होगा के के साथ में कुछ इस तरह से लिखा है एन थीटा विद के इस तरह से उसने खुद ही कहा है, कह रहा है एंड द कंपोनेंट ऑफ ए फाइंड करना है थीटा पता करना है और क्या पता करना कंपोनेंट ऑफ ए पता करना है ठीक है तो यूनिट वैक्टर आपको इतना तो पता चल चुका है अगर ये आई के साथ में वैक्टर ए जो कि यूनिट वैक्टर है उसने बोला है यस yes. तो इसका मतलब हो गया ए वैक्टर में मान लेता हूँ इस तरह से रहा होगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इस तरह से हमने बच्चों वैक्टर माना हालांकि यूनिट वैक्टर है तो इसका सिंबल बदल लें थोड़ा सा इस तरह से ठीक है ये हमने अगर वैक्टर माना है यूनिट वैक्टर है तो इसका मैगनीट्यूड को आप ऐसे लिखोगे जैसे ही वैक्टर ए का मैगनी क्या आएगा यहाँ पे एक कैप लिखो या फिर यही लिखो कोई नहीं यही लिख देते कितना आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर आएगा और यूनिट वेक्टर होने की वजह से उसका आंसर इक्वल टू वन कर रहे होंगे तो आपको आंसर पता चल गया स्क्वायर करने के बाद ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर कितना वन ये वैल्यू भी आपको पता है बच्चे ये वैल्यू भी आपको पूरी तरह से पता है ठीक है और उसने कहा है हमें हिंट दे रखी कि आई के साथ में अगर ये एंगल बनाता है पाई बाई थ्री तो आई के साथ जो एंगल पाई बाई थ्री है तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कॉस् थीटा क्या लिखा जाता है कॉस्ट थीटा यहाँ पे थीटा हालांकि वो एंगल वो हम थीटा ये वाला नहीं लिख रहे हैं मान लो जो एंगल है कॉस्ट थीटा का फार्मूला पहले लिखे लो चलो कॉस्ट थीटा होता क्या है दो वैक्टर ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ऐसे तो लिखते हैं ना ठीक है तो कॉस थीटा थीटा यहाँ पे एंगल कितना पाई बाय थ्री है तो आप यहाँ पे कॉस पाई बाय थ्री लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे वेक्टर ए का यानी पहले वेक्टर कौन सा है हमने मान लिया ये वाला ए वेक्टर है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जे यानी बी के साथ डॉट बी है कौन सा ये वाला जिसमें केवल आई है तो आई का आई से मल्टीप्लाई करने यानी कि आप ये निकाल रहे हो ऊपर देखो इसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा जरा सोचो इस तरह से लिखेंगे हम लोग कॉस पाई बाई थ्री पास कॉस पाई बाई थ्री है ठीक है इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे ए कैप चूँकि ये जे के साथ आई के साथ एंगल कितना बनाता है पाई बाई थ्री तो आप इसको इस तरह से फार्मूले के हिसाब से लिख रहे होंगे ए कैप और क्या आई का कैप ठीक है आई कैप का मैग्नीट्यूड तो कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू आप रख दो पाई बाई थ्री कितना सिक्सटी वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू आ गई ए का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट तो ए तो यूनिट वेक्टर है तो इसमें ये सारी चीज़ें आ रही होंगी आई भी यूनिट वेक्टर तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया ए वन आ गया तो इसका आंसर ऊपर वाले का आ रहा है ए वन और यहाँ पे वैल्यू रखो वन इन टू में वन यानी नीचे पूरा वन ही रहा तो ए वन की वैल्यू हमें निकल के आ चुकी है ठीक है ए वन कितना आ गया वन बाई टू आ गया ठीक है ऐसे ए टू निकालने के लिए फिर से अगेन कॉस्ट थीटा लगाएंगे क्यों लगाएंगे क्योंकि उसने ए टू यानी दूसरे केस में भी एंगल कहा पाई बाई फोर है तो कॉस पाई बाई फोर आप लिख रहे होंगे जब वेक्टर ए कैप का जे के साथ एंगल फाइव बाई फोर है तो ए डॉट जे कैप अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड को जिस तरह से आप फॉर्मुल लिख रहे होंगे कॉस फाइव बाई फोर यानी वन अपॉन रूट टू हो गया इक्वल टू वेक्टर ए का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट ए कैप का उसमें जे जे वाले से मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर आएगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे तो केवल एक दिखाना होगा हमें जे का मल्टीप्लाई जे के साथ करोगे तो आपका क्या आएगा ए टू पार्ट आ जाएगा यानी कि इसमें जो ए टू है वही तो इसमें जे वाले के साथ मल्टीप्लाई जे के साथ कितना ओनली वन है तो मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा ए टू मिलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा ए कैप है ए कैप का यूँ यूनिट वेक्टर मतलब वन हो गया वन इन टू वन वन ही हो गया तो मैं इसका नीचे वन नहीं लिख रहा हूँ ओनली आपको वैल्यू जो मिल गई है वो किसकी है बच्चे ए टू की वैल्यू आपको मिल चुकी है ए वन की वैल्यू पता है ए टू की वैल्यू पता है इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रखो आपका ए थ्री भी निकल के आ जाएगा कितना है किसको रख देते हैं ए वन का स्क्वायर करेंगे यानी वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर प्लस ए टू का स्क्वायर करेंगे यानी कि वन बाई रूट टू का स्क्वायर तो वन बाई टू हो जाएगा और प्लस ए थ्री है ही नहीं तो वैल्यू निकालनी होगी इक्वल टू वन इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा टू बाई फोर प्लस वन बाई फोर थ्री बाई फोर हो गया ए थ्री का स्क्वायर थ्री बाई फोर प्लस इक्वल टू वन तो आपको ए बाई थ्री वन माइनस थ्री बाई फोर कितना आ गया वन बाई फोर आ गया और a3 निकालना है आपको तो a3 आ जाएगा 1 by 4 का स्क्वायर रूट जो कितना देगा प्लस माइनस 1 by 2 देगा ठीक है प्लस माइनस 1 by 2 आपको देगा तो यहाँ से a3 निकल के आ गया प्लस माइनस 1 by 3 और एक्यूट एंगल साइड लिखा था ना क्या लिखा था जरा देखना आ, चलो hmm. तो कॉस थीटा यहाँ से देख के पता चल जाएगा यानी कि एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना ए थ्री के लिए वो क्यों लेंगे देखो ए थ्री की वैल्यू या तो वन बाई थ्री है वन बाई थ्री क्यों आएगी वन बाई टू है यहाँ पे तो वन बाई टू लिखेंगे वन बाई टू यस प्लस माइनस वन बाई टू कुछ भी हो सकती है श्योर sure नहीं क्या होगा वो कैसे डिसाइड होगा जब हम लोग यहाँ पर इसका ये वाला फार्मूला लगा के इसी पैटर्न से लिख रहे होंगे कॉस्ट हीटा इक्वल टू थीटा क्या लिख रहे होंगे कॉस्ट ईटा लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ के के साथ में अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड वन के का मैग्नीट्यूड वन तो हम नीचे वन नहीं लिख रहे हैं ठीक है ये कितना हो गया इधर हो गया ए थ्री इक्वल टू कॉस्ट थीटा तो कॉस्ट थीटा के बराबर ए थ्री है ए थ्री की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय टू है तो आप केवल यहाँ पे एक्यूट एंगल होने की वजह से कॉस्ट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम बच्चे कितनी वैल्यू लेंगे उस केस में वन बाय टू लेंगे ठीक है By by बाई, वन बाई टू इज एक्सेप्टेड इयर आप वन बाई टू का एक्सेप्ट करना ओनली ठीक है कॉस्ट थीटा क्यों कैसा दिया गया बाई बाईट वन बाईट मतलब पॉजिटिव कह रहा है एक्यूट एंगल है कॉस्ट थीटा एक्यूट एंगल का मतलब फर्स्ट क्वार्डन फर्स्ट क्वार्टन में कॉस्ट थीटा कैसा होता है पॉजिटिव होता है तो इस तरह से बच्चों आपको ये मिल गया है अब जो हमसे फाइनल पूछा वो आउटपुट कहाँ पर लिखा जाए जहाँ पर जगह हो हमारे पास चलो उधर लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं क्या क्या पूछा वो देखते हैं एक तो पूछा था थीटा बताइए थीटा कितना आ गया थीटा पूछा था कॉस थीटा क्या पूछा था भाई अच्छा कॉस थीटा वन बाई टू तो यहाँ से थीटा कितना निकल के कि आएगा थीटा हो जाएगा पाई बाई थ्री हो जाएगा ठीक है थीटा भी हमने निकाल लिया ये आंसर एक क्लियर हो गया तो थीटा की वैल्यू होगी पाई बाई थ्री कोई डाउट नहीं और उसने पूछा था कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स को हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में इधर लिख दे रहे हैं क्या क्या कंपोनेंट है यानी ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यूज होंगी यहाँ पे ध्यान रखना ये ए थ्री जो है ना यहाँ पे जो प्लस माइनस वन बाई टू आया वो श्योर नहीं है कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं लिया कौन सा जाएगा ए थ्री ये लिया जाएगा क्यों लिया जाएगा क्योंकि ए थ्री कैसा होना चाहिए कॉस्ट थीटा की वजह से पॉजिटिव होना चाहिए कॉस्ट थीटा पॉजिटिव होगा इस वजह से पॉजिटिव लेने की वजह से ए थ्री की वैल्यू हम लोग वन बाई टू ले रहे होंगे ए थ्री वन बाई टू हो गया आप इसे थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दो यानी ए थ्री की वैल्यू वन बाई टू लेना ए वन कितना वन बाई टू ए टू कितना वन बाई रूट टू तो आपके कंपोनेंट्स कौन कौन होंगे इस वेक्टर में आई जे के साथ क्या लिखा है ए वन लिखा है ए टू लिखा है ए थ्री तो आपके कंपोनेंट्स हो गए कॉमा ए थ्री तो ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू रख दो ए वन कितना आ चुका है वन बाई टू तो आप वन बाई टू लिखे ए टू कितना आ चुका है ए टू ये रहा वन अपॉइंट रूट टू और ए थ्री कितना आ गया है ए थ्री आपका आ गया है वन अपॉइंट टू ठीक है तो आपके कंपोनेंट्स भी आ चुके हैं आई थिंक ये आंसर आपको दिख रहा होगा अच्छे से वन बाई टू कॉमा वन अपॉन रूट टू कॉमा वन बाई वन अपॉन रूट टू कॉमा वन बाई टू ये कंपोनेंट्स हो गए ठीक है बच्चों तो इस तरह से ये हमने आपका लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किया है लेक्चर नंबर कौन सा था ये नाइन था किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आप सभी चीज़ों को अच्छे से करिए लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल लग सकता है बट करने से सारी चीज़ें आएँगी हमने बस उसमें थीटा इक्वल टू ही लगाया और कुछ बड़ा काम नहीं किया है तो सारी चीज़ें बच्चों आसान है बस प्रैक्टिस मांगती है मैथ तभी चीज़ें अच्छी होंगी सबके साथ सेशन को शेयर करिए और सबको बताइए कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर पूरा फ्री कंटेंट दिया जा रहा है मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर स्कोर करने का हमसे प्रॉमिस करिए हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहेंगे ठीक है तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच